हरे कौन है? हरे बाबा आ रही हूँ अभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे अचानक समीर तुम यहाँ पर? भाभी आना पड़ा, भैया का फोन आया था, उन्होंने बोला है कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, दो दिन बाद आएंगे। तुम्हारे भैया का ना हमेशा ये ड्रामा रहता है। खैर छोड़ो, तुम अंदर आओ। तो क्या कह रहे थे देवर जी आप? कुछ नहीं भाभी, भैया का फोन आया था, यही कह रहे थे कि मैं नहीं आ सकता, मीटिंग आ गई कुछ, शायद दो दिन में आएंगे या शायद एक हफ्ता लग जाए। तुम्हारे भैया का ना हमेशा यही ड्रामा है समीर, चले जाते हैं और मुझे भूल ही जाते हैं, बिल्कुल याद ही नहीं करते। क्या किया जाता है भाभी, काम कर रहे हैं, वो काम है, काम ही तो करना जरूरी है। बस यही सोच कर चुप हो जाती हूँ कि हमारी जिम्मेदारियों के लिए बाहर गए हुए हैं। बिल्कुल है, तुम्हारे भैया की बातों में तो मैं ये पूछना ही भूल गई, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं। नहीं 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 भाभी, चाय नहीं पीनी, मैं भी कहीं जाना है मेरे को। कहाँ जाना है? सोच रहा हूँ मार्केट जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा मार्केट जाना, आपके लिए लाना है कुछ? नहीं नहीं थैंक यू, अभी तो ऐसे ऐसे कोई नीड नहीं है, होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूँ। नहीं बता दो अगर कुछ लाना है। नहीं नहीं समीर कुछ नहीं लाना अभी। चलो ठीक है मैं चलता हूँ मार्केट। अच्छा सुनो ना, मैं ये कह रही हूँ मैं कितनी लकी हूँ ना, मतलब एक मेरे हस्बैंड है, माना की जिम्मेदारियाँ हैं पर अपनी बेबी को ना बिल्कुल भूल ही गए हैं, और एक ये देवर है जो भाभी का कितना ख्याल रखते हैं। मतलब शॉपिंग पे जा रहे हो भाभी आपके लिए कुछ लाना है, डॉल आप कैसे हो, मतलब कई बार फील होता है कि मैं बहुत लकी हूँ यार। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, जिसकी इतनी खूबसूरत भाभी हो वो देवर भाभी की चिंता नहीं करेगा। तो यू आर ऑल्सो वेरी लकी समीर। चलो ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं मार्केट के लिए। ठीक है ठीक है। भाभी मैं समीर। अच्छा समीर आ जाओ अंदर, गेट खुला है। और आ गए देवर जी शॉपिंग करके? हाँ आ गए भाभी। क्या क्या लिया मार्केट से? मार्केट से भाभी इस बार शॉपिंग मैं आपके लिए करके लेके आया। मेरे लिए? पर मैंने तो मना किया था ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मार्केट में था, अच्छा लगा कुछ कि आप पर अच्छा लगेगा इसलिए ले लिया। ओह सीरियसली मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड इतना नहीं सोचते मेरे लिए जितना मेरे देवर सोचता है। ओह वाओ ब्लैक कलर अच्छा लगेगा ना आप पर। वाओ समीर तो बहुत अच्छी ड्रेस है, तो बहुत सुंदर लग रही है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। पर समीर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि मैं वेस्टर्न ड्रेसेस अब नहीं पहनती, तो इसलिए तुम इसे प्लीज वापस करके आ जाओ। भाभी झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ आप पहनते हो। अरे भाई मैं नहीं पहनती, तुम कैसे जानते हो मैं पहनती हूँ? भाभी मैंने देखा है आपको। मुझे देखा है वेस्टर्न में? मुझे कहाँ देख लिया? इंस्टा पर। ओह तो देवर जी मुझे स्टॉक कर रहे हैं आजकल। स्टॉक नहीं कर रहा भाभी, इंस्टा चला रहा था, आपकी वीडियोस आ गई, मैंने देखा, अच्छा बहुत प्यारे लग रहे थे और आपका ड्रेस भी अच्छी लग रही थी वेस्टर्न। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं, शादी से पहले पहना करती थी मैं, अब तुम्हें पता चल तो मैंने भैया को पसंद नहीं है सब। तो क्या हुआ भाभी, भैया कौन से यहाँ देखने के लिए बैठे? वो बात तो समीर ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया को जो चीज पसंद नहीं है तुम्हें बताना मैं नहीं करती, फालतू में उनको बुरा लगे। ठीक है भाभी उनको कोई नहीं बता रहा, ना आप बता रहे हो ना मैं बता रहा हूँ। बहुत प्यार से लेके आया हूँ कि आप पर अच्छी लगेगी, एक बार पहन के दिखाओ ना भाभी प्लीज। मत जिद करो समीर प्लीज, भाभी एक बार पहन के दिखा दो फिर उतार देना आप। बस एक बार ट्राई करूंगी पक्का, एक बार। कितनी प्यारी है मेरी भाभी, मेरी बात एक बार में मान जाती है, और मेरा भाई कितना बेवकूफ है, इतनी प्यारी भाभी को छोड़ गया है ना, वहाँ पड़ा हुआ है। ऐसी मेरी वाइफ हो ना, सच में यार कभी कहीं ना जाऊँ छोड़ के एक मिनट को।
देवर जी, कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ भाभी, क्लासी। अभी आप खूबसूरत तो लगते हो, लेकिन आज सच में बहुत हॉट लग रहे हो। थैंक यू। वैसे कुछ भी कहो, ड्रेस बहुत प्यारी लाए हो तुम। भाभी ड्रेस प्यारी नहीं है, आपने पहनी है ना, इसलिए ड्रेस प्यारी लग रही है। बातें बहुत बनाने लगे हो देवर जी आप। आपको देखकर कौन बातें नहीं बनाएगा। कहाँ से कॉल किया है बातें बनाने का? बहुत कुछ निकलता है आपको देखते हुए। मैं अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ। आपको कहीं बुरी ना लग जाए कुछ बातें मेरी। कंट्रोल करके रखना। वैसे एक बात बताऊं देवर जी, आज पता नहीं क्यों मुझे अपने कॉलेज के टाइम याद आ रहा है। उस टाइम पे हम फ्रेंड्स लोग इस टाइप के ड्रेसेस ही पहन के जाते थे, बट तुम्हारे भैया को ये चीजें पसंद नहीं है तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। और मैं भी फिर साड़ी वाड़ी की यूज्ड टू हो गई, मतलब कंफर्टेबल मुझे अब साड़ी में लगता है वेस्टर्न ड्रेसेस से ज्यादा, बट आप लाए हो तो मैंने। मैं क्या बोलता हूँ अभी कि जब तक भैया नहीं आ रहे ना, आप इसी टाइप की ड्रेसों में रहा करो। काश रह सकती, बट बैड लक, मेरी जितनी भी वेस्टर्न ड्रेसेस है मैं अपने घर छोड़ कर आई हूँ, और अब मेरा मन भी नहीं करता समीर। तो क्या हुआ, मैं ला दूंगा ना बहुत सारी ड्रेसेस आपके लिए। तुम पागल हो गए हो क्या, इतना फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाभी, आपके लिए खर्चा क्या चीज है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मुझे पता है, आई लव यू मेरे छोटे भाई, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ये भाभी भाई भाई क्या लगा रखा है आपने? मैं भाई नहीं हूँ आपका। देवर छोटे भाई के जैसे ही होता है। एक मिनट भाभी, मैं वो देवर नहीं हूँ छोटे भाई वाला, ठीक है? मैं वो देवर हूँ जो आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आई लव यू भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। माना कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो इसका मतलब क्या मैं उनको धोखा दे दूंगी? यहाँ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पर। आज के बाद अगर तुमने ये हरकत की ना समीर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी क्या प्यार करती हूँ, क्या प्यार प्यार लगा रखा तुमने इतनी देर से? ये ड्रेस लिया है तो क्या तुमने मुझे खरीद लिया क्या? अपनी प्रॉपर्टी समझते हो मुझे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। माना कि तुम्हारे भैया घर पे नहीं है तो क्या तुम मेरा फायदा उठाओगे? तुम्हारे भैया से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी सोचा नहीं एक बार भी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी। लेकिन तुमने तो, तुम जैसे लोग ही होते हैं जिन्होंने देवर भाभी जैसे रिश्ते को भी कलंकित कर रखा है। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद क्या बल्कि अभी से तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आना भी हो ना समीर, तो तभी एंट्री होगी जब तुम्हारे भैया घर पे होंगे। अरे प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता अभी। बस करो समीर, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भैया को फोन करके सब कुछ सच सच बता दूं, तुम मेरे आंखों से दूर हो जाओ, और ये ड्रेस मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी। मैं अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना दोबारा, निकलो यहां से। अभी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता अभी। बस करो समीर, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भैया को फोन करके सब कुछ सच सच बता दूं, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, और ये ड्रेस मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी। मैं अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना दोबारा, निकलो यहाँ से। सॉरी भाभी, भैया को बताना प्लीज। समीर मैंने कहा निकलो यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया आजकल के यूथ को, वो भी इसे इतना प्यार करते हैं, उनको ये सब बातें बताऊंगी ना उनको इतना दुख होगा। देवर भाभी का रिश्ता ऐसे लोगों ने कलंकित कर रखा है। यही वो लोग हैं जिसकी वजह से कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को अकेला छोड़ना पसंद करता ही नहीं है। अरे छोटे भाई के जैसे प्यार किया था मैंने उसे, और उसने मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। कितनी खुश हो गई थी मैं कि इनके पीछे से मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे लिए ड्रेस लाया है, पर इसके पीछे तो छोड़ो। लेकिन मुझे इनसे बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन सही समय पर।